राधे सभी को। कल रात में 3 किलो 2.5 किलो वजन कुछ समथिंग कम हुआ था, और जैसे मैंने पानी पिया मेरा वजन बढ़ गया, 1-1.5 किलो फटाक से बढ़ गया मेरा वजन। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब आप खाओ नहीं पियो नहीं तो वजन आपका बढ़ जाता है। वेल, आप सभी को हैप्पी 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 वाली गणेश चतुर्थी। आज 7 सितंबर, आज पापा सभी के घर आएंगे। और हाल फिलहाल के लिए अभी क्या है कि मैं सुबह उठी थी, मैंने घर भर धुला, बर्तन धुले सारे, ढेर सारे नहाया धोया, लड्डू गोपाल को स्नान कराया, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर अभी गणपति में बिजी हो गई तो मेरे लड्डू छोड़ जाएंगे। फिर मैं साफ़ी थी तो मैंने चना उबलने के लिए रखा, आटा माड़ के रखा। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये है कि हमारे यहाँ पे मेरे ससुराल में स्पेशली जब भी आप व्रत तोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको वो करना होता है, क्या कहते हैं, 7 जोड़ा पूड़ी और हलवा को छूना होता है। तो चलो मैं सब छू छुआ लेती हूँ, तो फटाफट बना लेते हैं ये सारे भोग भी। अभी इधर एक तरफ मैंने सूजी भूनने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ मेरी पूड़ी की तैयारी शुरू हो गई है। फिर इस पूड़ी में होने के बाद ही चना छौंकूंगी इसमें। पूड़ी हो गई थी, फिर यहाँ पे मैंने चना छौंका बिना लहसुन प्याज के सारे मसाले वगैरह डाल के, अब चना जब पक जाएगा फिर जा करके सब छू छुआ करके फिर बाकी सारा काम खत्म करूँगी। अब यहाँ पे मैंने भाई बनाना शुरू कर दिया था सब्जी, जिसके लिए कुकर में डाला जीरा, मिर्चा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। बेटा रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो में, कई बार नहीं, यहाँ पे बच्चा मेरा बोल रहा है। उसके बाद मैं डाला कितनी मसाला, थोड़ा सा मैंने सब्जी में डाला, और क्या डाला बिट्टू मैंने, इसमें डाला आलू और चना, और दूसरी तरफ देखिए चना हमारा पक रहा है। फटाफट सब्जी बना करके भैया मैं तैयार होकर के करूँगी अपने गन्नू जी को लाने की तैयारी। सब्जी का कार्यक्रम देखो यहाँ पे बस आगे बढ़ ही रहा था। टमाटर डाल दिया मैंने। गणपति की पूजा की तैयारियाँ करनी थी मुझे, चाय वाय बना करके, फिर मैंने जो मेरा कल करी चिरी तीज वाला सेटअप था वो हटाया, भगवान जी को सबको हटा करके यहाँ पे साफ सफाई करी। अब जहाँ पे मुझे गणेश जी का स्थापना करनी है वहाँ पे मैंने किसी भी अनाज से आपको एक स्वास्तिक बनाना है, तो मैं यहाँ पे चावल से स्वास्तिक बना रही हूँ। फिर उसके बाद में स्वास्तिक बनवाने के बाद में थोड़ा सा चावल रखूंगी जहाँ पे मैं रिद्धि सिद्धि को स्थान दूंगी। उसके बाद मैं कलश स्थापना करूंगी, तो उसके लिए भी चावल की ढेरी पर कलश रखना है। कलश में डालना है आपका थोड़ा सा गंगा जल, फिर पूरा पानी भरना है, उसमें डालनी है सुपारी, लौंग और सिक्का। उसके बाद आम के 5 पल्लो लेने हैं जिसके ऊपर टीका लगाना है, और उसके बाद उसको रखना है। फिर नारियल लेना है, नारियल पर बनाना है स्वास्तिक, और नारियल पर स्वास्तिक बनाने के साथ में उस पर मौली लपेटनी है। कलश के भी जो आपकी गर्दन है उस पर आपको मौली लपेटनी है। फिर उसके बाद में नारियल जो आपको लिटाना है, रखना है, वो लिटा के रखना है, खड़ा कभी नहीं रखते, क्योंकि जो भी नारियल की जटा होती है, जो मुख होता है, वो या तो आपके तरफ हो या भगवान के तरफ से हो, वरना उससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो अनंत में चली जाएगी। तो बाकी सारा सेटअप जो मैंने किया है वो नीचे किया है। अब साथ में मैं जो दीपकों को रखना है सबको मैं स्थान दे दूंगी, और उसके बाद में मैं तैयार होकर के जाऊंगी गन्नू जी को लाने के लिए, क्योंकि सारा काम यहाँ पे फिनिश रहेगा, फिर पति मेरे सिर्फ स्थापना करेंगे।
तो यहाँ आप देखो मैं ना पूरा सेटअप कर चुकी हूँ और बहुत सुंदर सा सब कुछ सजा हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ एक लाल कपड़ा लेकर के भगवान जी को लाने के लिए। मैंने यहाँ पे पहनी है ब्लू कलर की साड़ी, तो खुद को मैं दिखाई नहीं पा रही हूँ, सेटअप मैंने आपको दिखाया है। अब मैं जा रही हूँ अपने गन्नू को लाने के लिए, तो लाल कपड़ा लेकर के गई मैं गन्नू को लाने के लिए। गन्नू गन्नू मेरा गन्नू है, गन्नू जी ऑन द वे टू होम, मुंह ढका हुआ है, पूजा के बाद आप सभी को दर्शन होंगे। बोलो गणपति पापा। मेरा पति ऐसे दिखाता है कि वो कितना शांत है। मैंने कहा गणपति पापा मौर्या जय श्री हरि। शंकर जी का लड़के को लो जो जबरदस्ती क्या, कितने सालों से आ रहे शंकर जी का लड़का हमारे घर पे। अब मैं ना घर आई, फटाक से गन्नू जी को गाड़ी पे बिठाया और यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना था ना, अपने दीवार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना था। तो आप जब भी घर पे गणेश जी को लेकर आए तो अपने घर की दीवारों पर ना एक तरफ कुमकुम से और एक तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाना था। तो मैं फटाफट यहाँ पे स्वास्तिक बनाए थे, मेरे पति जी गणेश जी को लेकर आ गए थे। मैंने कहा रुक जाओ, क्योंकि थोड़ा सा ना जैसे कोई घर में जब नया आता है ना, तो जैसे नज़र उसकी उतारते ना, तो पानी उसके उवार करके आ कहते नहीं, पानी चारों तरफ घुमा करके डाल दिया जाता है कहीं पे, डाल देते हैं ना पानी कहीं पे, मेरी बिट्टू बोल रही है। और साथ में ना घी का दीपक जलाते हैं घर के, बिट्टू के लिए दीपक जलाते हैं, तो रात हो जाती है तो सब लोग आ जाते हैं। तो घर पे दीपक ऊपर जलाते हैं और फिर यहाँ पे मैंने दीपक जलाया और मेरे पति जी गणेश जी को लेकर के ऊपर चल रहे थे। अरे अरे बस बस बस, स्वास्तिक बना ना वहीं पर रखना गणेश जी को, मैं आ रही। चलो ये सामने रखिए अगरबत्ती, ये रहा माचिस, पहले ये अखंड ज्योति जलाओ। ये नहीं, ये तो आरती वाली अखंड ज्योति सामने रखी छोटी वाली। सब पे चावल रख रखे, सबको पहले स्थान दिलवाया, कलश को स्थान दिलाया। तो कल का सबसे ज्यादा व्रत कल वाला पड़ जाता है ना, अभी तो खाया नहीं मैंने, बस थोड़ा सा नमक डाल के, सिंधे नमक डाल के मखाना बुन के खाया। मैंने कहा जब गन्नू आ ही रहे हैं तो पहले गन्नू की स्थापना हो जाए तब। सबसे पहले ना गणेश जी की आरती घुमाइए, मतलब अगरबत्ती घुमाइए सबसे पहले गणेश जी को। अब ना कलश और जितने दीपक हैं सबको फल अभी सब चढ़ाएंगे ना, ये दोनों स्टैंड लगा रखा, तीन उधर लगाइए। बैठो, आइए बैठे। ये तीनों लगा दिया। अब ना ये लोटे में पानी रखा है, इस पानी को शंकर गणेश जी पे पहले सबसे पहले छिड़को छिड़को उससे। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते। अब सबके ऊपर पानी छिड़क दो, थोड़ा सा अपने ऊपर, सबके ऊपर। अब भगवान जी का मुखड़ा उठाओ। गणपति बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या। अब ना वहाँ मौर्या, अब ना उनके हाथ में वो बंधा हुआ पन्नी, उसको खोलो, उसमें पटका है। हैं? ये वहाँ क्या कहते हैं अशोक अपार्टमेंट है जहाँ पे इनका ऑफिस, वहीं पे सामने एक दुकान है ना, तो वहाँ पे इको फ्रेंडली आए थे। अब इनको पटका ऐसे उधर से निकाल के करना, हाथ से नीचे से निकाल के करना, इधर से नहीं, इधर से नहीं, ये इधर से निकालो, उधर से। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः का जाप मन में करते रहना। अब भगवान जी को माला पहनाइए।
पीछे से थोड़ा सा गोल कर करना कि अच्छे से रहे, ठीक है? थोड़ा बांध दो पीछे से, हो ही रही है, आओ। जा रहे हो कहीं? अच्छा अच्छा, शाम में तो होगी 6:30 बजे आरती अपना। ठीक ठीक ठीक, अब भगवान जी को ना सबसे पहले सिंदूर चढ़ाओ। सिंदूर ऐसे ऊपर 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 लगाते हैं, हाँ मत्थे पे, ठीक है। अब थोड़ा सा ना ऐसे भगवान जी को ऊपर छिड़को रोली, अच्छा सब कुछ अच्छा कहाँ है? अच्छा थोड़ा सा वो रखा है ना, थोड़ा सा उठाओ। हाँ हाँ हाँ, अपने जेब से सुपारी निकाल करके ना रिद्धि सिद्धि को स्थान दो। अब सुंदर लग रहे ना गन्नू जी, एक तरफ रिद्धि जी को स्थान दो, बोलो कि रिद्धि जी यारी चावल के ऊपर, चावल के ऊपर, इनकी पत्नियां हैं दोनों, ठीक है। अब पुष्प चढ़ाओ भगवान जी को, एक रिद्धि सिद्धि को चढ़ाओ, एक गन्नू जी को चढ़ाओ। अब बेलपत्र रखिए, गणेश जी को बेलपत्र चढ़ाओ। तीन 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 या पांच चढ़ाई जाती है, वो जो उसमें लगी होती है उसको काउंट करके पांच नहीं होती, एक पत्ती तीन होती है ना, तो एक अलग अलग पत्ती चढ़ेगी। एक और चढ़ाओ, ठीक है। अब आरती घुमा करके बाकी सब लोग को टीका कर लें दो, फिर हम लोग करते हैं आरती। आरती ये जो आरती है ना ये घुमा दो, ये वाली आरती घुमा दो घंटी बजा करके। घंटी भगवान जी के पास ऑलरेडी स्थान दे दिया गया है। ठीक है, अब इसको रख दो घंटी, इसको रख दो, उसके ऊपर रख दो वो लैंप, रख दो उसका वो। अरे अरे देखो आग जल रहा, जो अरे कैसे पूरा उठेगा ना। चलिए बाकी सब लोग भगवान जी को टीका उका कर लीजिए, जब स्थापना के टाइम पे सब लोग आ ही गए हैं। हाँ दक्षिणा सबसे इम्पोर्टेंट, तो गन्नू जी को दक्षिणा चाहिए। अब सबको करने दो, जरा आईफोन से ना ब्लूटूथ कनेक्ट कर दो, गाना बजा दो भगवान जी का। ऑन कर देती हूँ, अंदर रखा है आईफोन। वेलकम टू एनसी म्यूजिक वर्ल्ड, न्यू टू स्मेल्ड। अरे मैं इधर से इधर बैठा मम्मा, आ रही जय 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 जी, फोन पे फोन पे फोन पे फोन पे जी चाह दे जी जी, रोते नहीं, उदे उदे जय 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 जी, ओ ओ जय जय बोल, गुच्छा ला गुच्छा, ओ गुच्छा जय 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 महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गणपतये नमः। अभी अभी सब लोग गए हैं और मैं दो पूड़ी और चना खा रही हूँ। अभी मैंने मोहल्ले में बहुत लोगों को कहना बाकी है, तो पूजा सारी हो चुकी है और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। शाम का मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने कैसे तैयार, मतलब मैं कैसे तैयार हुई थी शॉर्ट्स में, और मन करेगा तो शाम की वीडियो बना लूँगी कि लड्डू के लिए क्या बनाया, कैसे क्या क्या, लड्डू नहीं गन्नू। तो ये वाला ब्लॉग तो यहीं पर समाप्त हो रहा है, शाम की पूजा का ब्लॉग। अगर आप कहेंगे तो अपडेट करूँगी, और हाँ बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ, ठीक है। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मौर्य। 11 ओम गणपति नमः, 12 ओम गणपति नमः, 13 ओम गणपति नमः, 14 ओम गणपति नमः, 15 ओम गणपति नमः, 16 ओम गणपति नमः, 17 ओम गणपति नमः, 18 ओम गणपति नमः, 19 ओम गणपति नमः, 20 ओम गणपति नमः, 21 ओम गणपति नमः, 22 ओम गणपति नमः, 23 ओम गणपति नमः, 24 ओम गणपति नमः, 25 ओम गणपति नमः, 26 ओम गणपति नमः, 27 ओम गणपति नमः, 28 ओम गणपति नमः, 29 ओम 28 29 30।